हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आप सभी के लिए एक और बेहतरीन प्रश्न। आप परेशान मत होइएगा कि ये तो प्रश्न लाता ही रहता है। नहीं दोस्तों, आप सभी को उत्तेजित करने के लिए ये प्रश्न मैं लाता हूँ कि आपका जो उत्साह है वो दोस्तों इन प्रश्नों को देखने के बाद दोगुना हो जाए। ऐसा होता है कि जब प्रश्न कोई पता नहीं होता है, यानी उसका आंसर हमें पता नहीं होता है, तो हम दोस्तों क्या करते हैं, उसके बारे में ध्यानपूर्वक विचार करते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। ठीक है, इस लाइन को आप इग्नोर मार दीजिएगा कि दम हो तो मतलब जवाब दो वरना पढ़ाई बेकार। इस लाइन को आप इग्नोर मार दीजिए, ठीक है, इसको आप दिल से ना लगाइएगा। ये बस आपको प्रेरित करने के लिए लिखा गया है और इसका दोस्तों आपकी निजी जिंदगी से मेरा दोस्तों आपसे कोई निजी मामला नहीं है कि मैं आपके लिए ऐसा लिखूंगा। ये बस मैंने प्रेरित करने के लिए आपको लिखा है कि आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी दम है तो आप दोस्तों जवाब दे दीजिएगा। तो आज का जो सवाल है वो जरा देख लीजिए। उसे बताने से पहले आप सभी से दोस्तों हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर करते हुए मैं जो दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए सवाल देख लेते हैं कि वह कौन सा देश है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। पूरे देश में कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भूटान या अमेरिका। कमेंट कीजिए दोस्तों तेज गति से। ठीक है, तो देखते हैं कौन सबसे पहले दोस्तों इसका जवाब देता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, सबसे पहले जवाब देने की बारी आपकी है, फिर उसके बाद में इसका जवाब दोस्तों मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो में तो प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, लेकिन वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका सही आंसर छोड़ दूंगा, वहां से आप इसका सही आंसर देख लीजिएगा। उससे पहले आप सभी से दोस्तों हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप खुद से इसे कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर ये है। मैं देखूंगा कि कितने लोगों को दोस्तों ये पता है और कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पहला नंबर कमेंट करने का आपका है, बाद में दोस्तों मैं इसका जो सही आंसर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपको प्रेरित करेंगी परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, कि मैं हर तरीके की मेहनत करूं, कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है वो बन सकता है, चाहे वो दोस्तों रीजनिंग टाइप हो या फिर लॉजिकली प्रश्न हो। तो ये दोस्तों बेसिकली लॉजिक पर आधारित होते हैं प्रश्न। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों बस प्रेरित करने के लिए है, आपकी निजी जानकारी से इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो। आगामी परीक्षाओं के लिए हम और हमारी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को या फिर विदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।